हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो आपके लाया हूँ सेल्स के ऊपर। और बहुत बार सेल्स में जो प्रॉब्लम है वो है रिजेक्शन की। बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं जो हमारे सेल्स में बंधु लोग हैं, उनको ये दिक्कत आती है कि वो सेल्स में रिजेक्शन का फेस नहीं कर पाते। रिजेक्शन हुआ तो उनका दिन ख़राब हो जाता है या फिर उसके बाद वो कॉल नहीं करते। तो उनको ये जानना ज़रूरी है कि रिजेक्शन सेल्स का ही पार्ट है, आपको रिजेक्शन मिलना ही मिलना है। एक रिसर्च में पता चला है कि 80% लोग आपको रिजेक्शन देंगे, आपको ना बोलेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको पर्सनली ना बोल रहे या उनको आपसे पर्सनली कोई प्रॉब्लम है। बहुत बार क्या होता है, बहुत बार हमारे जो सेल्स वाले बंदे होते हैं उनको लगता है कि मेरे में कुछ फॉल्ट है। अगर वो प्रोडक्ट ले नहीं रहा है या आपको रिजेक्ट कर रहा है तो आपको आपका सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाता है कि आपको लगता है कि ये पर्सनली आपको नहीं बोल रहा है। बट ऐसा नहीं है, उसके नहीं बोलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे उसको सही में ये प्रोडक्ट अभी नहीं चाहिए होगा। हो सकता है कि वो झगड़ा करके आया या किसी के साथ उसकी अनबन हुई है, इसीलिए वो अभी आपको ना बोल रहा हो। हो सकता है उसको प्रोडक्ट चाहिए बट वो फ्यूचर में चाहिए। तो फ्यूचर में अगर चाहिए तो आपको उसको बार बार मिलना होगा। बट हमारे सेल्स वाले बंधु अगर किसी ने ना बोला तो उसको वही छोड़ देते हैं, वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं और उसके बाद उसको मिलते नहीं है। तो सबसे बड़ी गलती है, आपको 5 विज़िट तो करनी करनी है कस्टमर के यहाँ। आप अगर आप जाओगे तो 5 विज़िट किए बिना आप, यानी आप उसके पास एक बार जाइए, फिर कुछ नेक्स्ट वीक में आप जाइए, ऐसे आपको 5 विज़िट करनी है। रिसर्च में पता चला अगर आप 5 विज़िट नहीं करोगे आपको सेल्स नहीं मिलेगी। 5 विज़िट के बाद उसका ट्रस्ट बनता है, उसके बाद वो आपसे प्रोडक्ट लेगा ही लेगा। तो बहुत बार ये भी होता है कि हमारे सेल्स बंधु जो जाते हैं तो वो ट्रैवल टाइम में अपना टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं। एक कॉल वो आप देखेंगे कि एक कॉल वो एक अलग डायरेक्शन में ले गए जो कि बहुत दूर दूर है, जिससे क्या होता है कि उनका ट्रैवल ऑफ टाइम बहुत हो जाता है। तो उनको भी एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि उन्होंने बहुत काम किया है कि वो एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक ट्रैवलिंग कर रहे हैं। एक कस्टमर एक कोने में तो एक दूसरा कस्टमर दूसरे कोने में, तो उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि बहुत काम किया, बट उससे टाइम वेस्ट ही होता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको जो ये रिजेक्शन है उसको एक्सेप्ट करना है लाइफ में और आगे बढ़ना है। और रिजेक्शन आपको मिलेगी मिलेगी, और जो बंदा रिजेक्शन को एक्सेप्ट कर लेगा वही सेल्स में सबसे आगे बढ़ेगा। और सेल्स में सबसे बड़ी चीज़ है आपको बेशरम बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बेशरम नहीं बढ़ोगे तो आपको सेल्स में आप सेल्स में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो ये आपको जाना ज़रूरी था, और यही था मेरा आज का वीडियो जो कि फेलियर के ऊपर था, रिजेक्शन, क्योंकि रिजेक्शन ये आपका पार्ट होगा ही होगा, पार्ट ऑफ लाइफ है।